आज रीजनिंग के अंदर कौन सा टॉपिक है अपना? कैलेंडर। कैलेंडर को अपन इस टाइप से करेंगे कि आपको वापस कैलेंडर कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार हाँ देखते ही आपके आंसर आ जाएंगे, लेकिन कैलेंडर के बारे में हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। कैलेंडर होता क्या है? कैलेंडर, कैलेंडर के अंदर वार, तिथि, महीना, दिन को मिलाकर एक समूह से तैयार की गई पुस्तिका को कैलेंडर कहते हैं। कैलेंडर किसे कहते हैं? हाँ, पाई में मिलते हैं, जिसके अंदर वार, तिथि, तारीख, वर्ष का कॉम्बिनेट करके एक बुक बाजार में मिलती है, जो पाई में मिलती है उसे हम कैलेंडर के रूप में जानते हैं। अर्थात आज का अपना टॉपिक होगा कैलेंडर। बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनिंग के अंदर, और एक बार जिसने पढ़ लिया उसको वापस कैलेंडर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कैलेंडर में क्या क्या होते हैं? सामान्य कैलेंडर के अंदर दिन होते हैं, दिन होता है, वार होता, क्या होता है, विवाह मुहूर्त होते हैं, वार होता है, वर्ष होता है, तिथि होती है, दिन, वार, वर्ष, तिथि, और क्या होता है, ये इनका एक कॉम्बिनेशन, और महीने होते हैं, श्राद्ध होते हैं। इन सभी से मिलकर एक पुस्तिका बाजार में मिलती है। इन सभी के कॉम्बिनेशन से बनाई गई बुक को हम कैलेंडर के नाम से जानते हैं। तो मेन चीज कैलेंडर में वर्ष को निर्धारित करते हैं। एक होता है वर्ष, वर्ष इसमें दो प्रकार के माने गए हैं, एक साधारण वर्ष और दूसरा लीप वर्ष, या इसको अधिवर्ष के नाम से भी जानते हैं। कैलेंडर के अंदर दो बात आपको याद रखनी है, बाकी तारीख, महीना, वार, तिथि अपने आप आएगी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए लीप वर्ष और साधारण वर्ष। तो पहले हम ये डिफरेंस, इनमें अंतर पैदा करेंगे कि लीप वर्ष किसे कहते हैं और साधारण वर्ष किसे कहते हैं, जो हमारी बेसिक जानकारी का एक भाग माना जाता है। तो सबसे पहले ऐसा वर्ष जिसमें चार का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, उसे हम लीप वर्ष के रूप में जानते हैं। दूसरी इसकी विशेषता होती है, इसमें 52 सप्ताह एक दिन होता है। टोटल दिन इसमें कितने हो जाएंगे? 365 दिन। और इसमें क्या फर्क होता है? इसमें फरवरी 28 दिन की होती है। और क्या होता है? वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन एक ही होता है। देखो ये बेसिक जानकारी है जो हमें पता होनी चाहिए, और ये हमारे रटी हुई भी होनी चाहिए कि साधारण वर्ष का हमें क्या क्या पता होगा। तो साधारण वर्ष के अंदर हमारा पहला ऐसा वर्ष जिसमें हम चार का भाग देंगे और भाग पूरा पूरा नहीं गया, तो वो साधारण वर्ष का उदाहरण माना जाएगा। जैसे 2023 नहीं जाएगा, 2022 और 1997 नहीं जाएगा, वेरी गुड। और साधारण वर्ष में सामान्य दिन कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो यदि सप्ताह में बात करेंगे तो 52 सप्ताह एक दिन, यदि भूल जाते हो तो 365 में 7 का भाग दे देना, 52 बार जाएगा और एक शेषफल बच जाएगा, इसलिए 52 सप्ताह और एक दिन। तो एक दिन है 365, तो इसमें फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की। और सबसे बड़ी बात, ये पहला और लास्ट वाला पॉइंट आपके एनी टाइम रटा हुआ होना चाहिए। पहला पॉइंट हमें यह बताएगा कि साधारण वर्ष है या नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमेशा ये बात बताता है कि साधारण वर्ष का और साधारण वर्ष में प्रथम दिन किसे कहते हैं? एक तारीख को, और अंतिम दिन 31 दिसंबर को। अर्थात एक तारीख को जो वार होगा वो 31 दिसंबर को होगा, या 31 दिसंबर को जो वार होगा वही एक तारीख होगा, वो साधारण वर्ष के अंदर आएंगे। इसके अलावा इसके लीप वर्ष की बात करते हैं। ऐसा वर्ष जिसमें
प्यार का पूरा पूरा भाग जाता है, तो उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। इसके अंदर 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं, इसके अंदर 366 दिन होते हैं, इसके अंदर फरवरी 29 दिन की होती है, इसके अंदर वर्ष का प्रथम दिन, प्रथम वर्ष का प्रथम दिन, प्रथम दिन अंतिम अंतिम दिन से 1 दिन पीछे होता है। दिन कौन कौन से होते हैं पता है आपको? कौन कौन से होते हैं? सामान्य सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार एंड रविवार। ये दिनों का एक कॉम्बिनेशन होकर क्या बन जाता है? एक सप्ताह। ठीक है, सप्ताह के बारे में, एक सप्ताह की, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? कितने? 7 दिन। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। रीजनिंग का एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है ये। कौन सा? दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। देखिए ये टेक्निकल पॉइंट है। यदि दिन लिखा हुआ आ जाता है कि दिन में कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। ये एक टेक्निकल पॉइंट है कि एक आदमी ने 3 घंटे काम किया तो दिन में कितने घंटे काम किया, कितने घंटे प्रतिशत में काम किया। अब अपनों कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई एक आदमी ने 3 घंटे काम किया तो दिन में कितने घंटे प्रतिशत में काम किया, कितना होगा प्रतिशत में? 25% काम किया। लेकिन वो कहता है एक दिन में कितने घंटे काम किया प्रतिशत में, तो 1/24 या 3/24 100 करेंगे। एक दिन 24 घंटे में लेना है और दिन सिर्फ 12 घंटे में लिया जाता है। ये टेक्निकल पॉइंट क्या है? टेक्निकल पॉइंट पकड़ना पड़ता है। हर सिस्टम में टेक्निकल पॉइंट होते हैं, उनको पकड़ दो तो टेक्निकल से टेक्निक जोड़कर अपन लास्ट तक पहुंच सकते हैं। और टेक्निकल पॉइंट नहीं मिलेगा, नट स्क्रू बोल्ट नहीं मिलेंगे तो साइकिल बिक्री हुई है तो उसको भी अपन जॉइंट नहीं कर पाएंगे। तो टेक्निकल पॉइंट का याद रखना जरूरी है। वो भी मिल जाएगी, टेक्निकल पॉइंट होंगे तो आपके पास टेक्निकल पॉइंट वापस घुमा फिरा के सेट कर देंगे। उसने मेरी चोरी की, अपन दूसरे कर देंगे। बराबर, वेरी गुड। देखिए अब हम बात करते हैं कैलेंडर में। कैलेंडर के अंदर 2 पॉइंट लिखे हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। इसमें आपका फर्स्ट और लास्ट पॉइंट के बारे में दोनों का आपको गौर रखना है। क्या है दोनों? फर्स्ट पॉइंट हमें ये आइडेंटिफाई करेगा, ये जस्टिफाई करेगा कि लीप वर्ष कौन सा है और साधारण वर्ष कौन सा है। उसके लिए हम 4 का भाग देंगे। यदि भाग देने पर भाग पूरा पूरा गया तो वो लीप वर्ष कहलाएगा, और यदि भाग पूरा पूरा नहीं जाता 4 का तो वो साधारण वर्ष कहलाएगा। इसके अलावा साधारण वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन एक ही दिन रहता है, लेकिन लीप वर्ष के अंदर प्रथम दिन है वो अंतिम दिन से 1 दिन पीछे रहेगा। अर्थात अंतिम दिन रविवार है तो प्रथम दिन क्या होगा? शनिवार, उसे 1 दिन बैक आ जाएंगे ये। और दिनों का भी ये कॉम्बिनेशन होता है, ये सर्कुलेशन ऐसे घूमता रहता है। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, सोम मंगल मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ऐसे घूमता रहेगा ये सर्कुलेशन रहेगा। ऐसा नहीं है कि पहले बुध लिख दिया फिर सोम लिख देंगे फिर शनि लिख देंगे तो सेटलमेंट बिगड़ जाएगा। ये सर्कुलेशन रखना पड़ेगा। सप्ताह का पहला दिन वो अलग अलग कॉम्बिनेशन, इसमें कोई भी दिन आप पकड़ सकते हो। सप्ताह आप मंगल से स्टार्ट कर सकते हो, सप्ताह बुध से स्टार्ट कर सकते हो, एक दिन आपको पकड़ना होगा। ठीक है, कई लोग रविवार मानते हैं, कई लोग सोमवार मानते हैं, लेकिन अलग अलग कैलकुलेशन लेने के लिए कई रवि को मान के काम किया हुआ है, किसी ने सोम को मान के किया। सप्ताह में कोई दिन अपन ले सकते हैं। अब हमारे पास एक आता है पॉइंट, ये एक लीप शताब्द, जैसे 2700, जैसे अभी क्या चल रहा है 2022
23, 24, 25, 2099 आगे कौन आएगा? भाई जैसे अभी 2022 है, अब 2022, 23, 24, 25, 26 ऐसे चलेगा, ठीक है, और 2099 उसका अगला कौन होगा? 2100। अब ये 2100 वर्ष आया है, लीप है या साधारण वर्ष है? हाँ, तो ये शताब्दी हो गई, 100, 200, 300, 500, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1300, 1400, 1300, 1400, 1300, 1400, 1300, 1400, 1300, 1400, 1300, 1400, 1300, 1400, 1300, 1400, 1300, 1400, 1300, 1400, 1300, 1400, 1300, 1400, 1300, 1400, 1300, 1400, 1300, 1400, 1300, 1400, 1300, 1400, 1300, 1400, 1300, 1400, 1300, 1400, 1300, 1400, 1300, 1400, 1300, 1400, 1300, 1400, 1300, 1400, 1300, 1400, 1300, 1400, 1300, 1400, 1300, 1400, 1300, 1400, 1300, 1400, 1300, 1400, 1300, 1400, 1300, 1400, 1300, 1400, 1300, 1400, 1300, 1400, 1300, 1400, 1300, 1400, 1300, 1400, 1300, 1400, 1300, 1400, 1300, 1400,
ही वर्ष को जस्टिफाई करने के लिए 400 का भाग दिया जाएगा। टेक्निकल पॉइंट याद रखना, क्या रखना टेक्निकल पॉइंट, क्या याद रखना, हाँ, शताब्दी वर्ष को साधारण व लीप का पता लगाने के लिए 400 का भाग देते हैं। शताब्दी वर्ष मतलब जहां डबल जीरो लगा हुआ है, 2000, 2100, 2200, 2300, 1500, 1700, 1600, 1600, 1800, यदि 500 या 800 आ गया या 900 आ गया, तो 900 हमें ये पता लगाएंगे ये शताब्दी वर्ष है, ये लीप है या साधारण, तो 900 हम 400 का भाग देंगे। 4 का देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा भाई, इसे 2100 में 4 का भाग तो चला जाएगा, लेकिन 400 का भाग इसमें नहीं जाएगा। 4 का दोगे तो आपको लगेगा ये साधारण लीप वर्ष है, लेकिन 400 का दोगे तो नहीं जाएगा, तो ये कैसा शताब्दी वर्ष होगा, ये साधारण शताब्दी वर्ष होगा। तो शताब्दी वर्ष का पता लगाने के लिए वो साधारण है या लीप, उस कंडीशन में हम 400 का भाग देंगे, और 400 का भाग पूरा गया तो कैसा होगा, लीप वर्ष, और पूरा नहीं गया तो कैसा होगा, साधारण वर्ष। हो जाएगा याद। इसके अलावा आपको टेक्निकल पॉइंट भी याद रखना है, वो ये याद रखना है, विशेष पॉइंट है वो ये है, किसी शताब्दी शताब्दी का अंतिम किसी शताब्दी का प्रथम या अंतिम दो अंतिम दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन मुंगेश नहीं होता है। कौन? मुंगेश नहीं होता है। मुंगेश का मतलब मंगलवार, से गुरुवार और छ से शनिवार, मुंगेश नहीं होता है। किसी शताब्दी का अंतिम दिन मुंगेश नहीं होता है, मंगल गुरु और शनि, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन मुंगेश नहीं होता है। कौन नहीं होता है? मुंगेश। मुंगेश का मतलब मंगल गुरु और शनि, मुंगेश है, सुरेश बाकी सभी हो जाएंगे। किसी शताब्दी का अंतिम दिन कभी भी ये द्वार नहीं होंगे, ये याद रखना। निम्नलिखित में से किसी शताब्दी का अंतिम दिन है, चार ऑप्शन प्रश्न आ गया ऐसे, ये एसएससी जीडी में दे सकता हूं। अपने एयरफोर्स में थोड़ा कैलेंडर का रोल कम है, ठीक है ना, वो कभी कभार मेरे को जब याद आता है 10 मतलब 15 सेकंड में एक में किसी भी कैलेंडर का प्रश्न डाल देता हूँ, कम डालता हूँ, हाँ, 2 या 3 साल में कभी कभार जब दिमाग सेट हो रहा होता तो कर देता हूँ, नहीं तो नहीं। हाँ, क्या अब की बार वो देखो पेपर बनाते उस समय दिमाग कौन सी एक्टिविटी में कहाँ गया हुआ होता पता नहीं होता है, ठीक है, यहाँ खड़े होते हैं तो अलग तरीके से खड़े होते हैं, ऑफिस की कुर्सी में बैठे तो अलग तरह से सोचते हैं, और कहीं खड़े होते तो अलग तरह से सोचते हैं, पेपर बनाते हैं उस समय अलग तरह से सोचते हैं, तो उस समय दिमाग कहाँ किस परिस्थिति में किसके साथ खड़ा होता है, उस दिमाग का कॉम्बिनेशन ही सेट होता है, क्या उस समय देखेंगे। प्रश्न ऐसे आ सकता है, निम्नलिखित में से शताब्दी का अंतिम दिन है, ए में आ गया मंगलवार,
बी में आ गया गुरुवार, सी में आ गया शनिवार और डी में आ गया रविवार या सोमवार जो भी। तो ये किसी भी कंडीशन में तीनों नहीं हो सकते, तो यही होगा बचा हुआ वही, ठीक है। और एक पॉइंट, किसी शताब्दी का प्रथम दिन, क्या याद रखोगे, ये टेक्निकल पॉइंट है। एक पॉइंट के लिए फिर नेक्स्ट पॉइंट में करते हैं। किसी शताब्दी का प्रथम दिन बुधवार व रविवार नहीं होगा। किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन बुधवार और रविवार नहीं होगा, बाकी सभी डे प्रथम दिन हो सकते हैं। अब होगा कौन सा वो कंफर्मेशन नहीं, वो तो अपना अलग तरीके से निकालना पड़ेगा, लेकिन ये पॉइंट याद रखना, अंतिम दिन कौन से नहीं हो सकते हैं और प्रथम दिन कौन से नहीं हो सकते हैं। मुंगेश को याद रखोगे तो अंतिम दिन का सेटलमेंट हो जाएगा, क्योंकि मुंगेश हमेशा अंतिम ही था। एक वो मूवी आई थी पता है, उसमें नाम था मुंगेश, अरे क्या, हाँ नहीं 1998 पता नहीं, मैंने सुना था एक बार, हाँ उस कोई बात पता करेंगे, मुंगेश नाम के YouTube गूगल में डालेंगे, मुंगेश मूवी कौन से नाम की थी, हाँ मैन किरदार उसमें किसने निभाया था, मुंगेश थे। मुंगेश कौन था, मुंगेश का रोल किसने, कल पता करते हैं मुंगेश का रोल किसने निभाया, उसने अमरेश पुरी ने निभाया था। नाम सुना नहीं सुना, हाँ कोई बात नहीं, उसको वापस बुलाएंगे, वो अभी तो एक बार चला गया है, है? अमन है अमरेश्वरी, अमरेश्वरी है, गया गया ना यार कभी, है? कभी गया ना, वापस बुलाएंगे मुंगेश का रोल, इसलिए तो लिखा अंतिम, अंतिम मुंगेश मतलब अंतिम हो गया उसका, ठीक है ना। अब देखो लिख लिया इसको, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पेज चेंज करें। अब देखिए अपन प्रथम दिन का कॉम्बिनेशन से सेट करते हैं, प्रश्न ऐसे आता है कि 2 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 1991 को क्या वार था। 2 जनवरी 1991 में प्रश्न कह रहा है शनिवार था तो 31 दिसंबर 1991 में क्या वार होगा, शुक्रवार होगा। देखिए पहले हम ये पता लगाएंगे 1991 कैसा है, लीप या साधारण, साधारण वर्ष होगा, क्योंकि हम इसमें 4 का भाग देंगे और 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसलिए हम कहेंगे ये एक साधारण वर्ष है। फिर ये 2 जनवरी है तो हम ये लास्ट, ये 2 जनवरी मतलब प्रथम दिन के आसपास ही है या नहीं, और ये 31 दिसंबर 31 फर्स्ट लास्ट है, तो इसको पहले हम, हमारे पास एक नियम था उसका सेटलमेंट करेंगे। 2 जनवरी को पर्सन कह रहा शनिवार है तो 1 जनवरी 1991 का हम आइडिया लगाएंगे, शनिवार से एक दिन पीछे आएंगे शुक्रवार होगा, होगा या नहीं। अब 1 जनवरी 1991 को शुक्रवार था तो 31 दिसंबर 1991 को कौन सा वार सेट करेंगे, ये अंतिम दिन है वर्ष का, अंतिम दिन सेम डे होता है तो शुक्रवार ही होगा, कौन सा वार होगा, शुक्रवार। पता लग जाएगा कि प्रथम दिन और अंतिम दिन का हम ये कॉम्बिनेशन, जैसे जस्ट सामने कहीं पर भी कोई पर्सन आ जाता है, हमें ये लगता है कि ये प्रथम दिन और अंतिम दिन के बीच के आसपास ही है तो हमें फटाफट इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे पर्सन ये आया हमारे पास कि 30 दिसंबर 2004 को रविवार था तो 3 जनवरी 2004 को क्या वार था।
30 दिसंबर 2004 प्रश्न कह रहा है रविवार, तो 3 जनवरी 2004 सॉरी 3 जनवरी 2004 को क्या वार होगा? लगाइए दिमाग और वार ज्ञात करना आपको आना थी। मंगल और कोई किस किस से नहीं हुआ वो हाथ खड़े कीजिएगा। वेरी गुड, 1 2 3 5 7 8 13 21 वेरी गुड। नहीं हुआ, देखो मंगलवार नहीं होगा। देखो मंगलवार तक पहुंचते हैं कैसे करते हैं, ये क्या है 30 दिसंबर लगभग लास्ट दिन के आसपास है और 3 जनवरी पहले दिन के आसपास ही है, कोई 2 दिन का फर्क है, ज्यादा कुछ नहीं है और ईयर दोनों का सेम है वर्ष। अब हम पहले सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि वर्ष कैसा है, लीप या साधारण। 4 का भाग देंगे तो 4 पूरा पूरा जाएगा अर्थात ये लीप वर्ष। तो हमने लीप वर्ष का जो वर्षों का कॉम्बिनेशन प्रथम और अंतिम दिन के बारे में पढ़ा था, तो मान लो ये 30 दिसंबर है तो 31 का तो हमें पता ही होगा भाई। 30 दिसंबर 2004 को प्रश्न कह रहा रविवार, 31 दिसंबर 2004 को अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? सोमवार होगा भाई। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग अनुसार 30 दिसंबर 2004 को शनिवार है तो देन 31 दिसंबर 2004 को भी सोमवार होगा। होगा या नहीं? हो गया कंफर्म। अब ये 31 दिसंबर है तो हम 1 जनवरी को आ सकते हैं प्रथम दिन, ये अंतिम दिन है तो 1 जनवरी 2004 क्या वार होगा? देखो आपने नियम लिखा था, उसमें लिखा था लीप वर्ष का प्रथम दिन है वो अंतिम दिन से 1 दिन पीछे रहेगा। प्रथम दिन अंतिम दिन से 1 दिन पीछे रहेगा, तो अंतिम दिन है ये 31 दिसंबर अंतिम दिन है तो प्रथम दिन 1 दिन पीछे रहेगा, तो इसमें से 1 दिन पीछे करेंगे तो कौन आएगा? रविवार आएगा या नहीं? अब 1 जनवरी 2004 को आपका रविवार है तो 2 जनवरी को क्या होगा? सोमवार। 2 जनवरी को सोमवार और 3 जनवरी को क्या होगा? 2004 मंगलवार होगा या नहीं? अब अभी तक किसके सेट नहीं बैठा है वो हाथ खड़ा कीजिए। अभी भी नहीं बैठा, दिखाई नहीं दिया, अरे तो जगह इधर आ जाता बेटे। इसके लिए भी मैंने ये कॉम्बिनेशन सेट किया, जब हमने पाई डिफेंस स्टार्ट किया था, पाई सबसे पहले पाई क्लासेस फिर इसको डिफेंस में कन्वर्ट किया, तो उस समय ऐसे ही 5-7 बंदे बैठे थे, छोटा सा बोर्ड था हमारे पास, हाँ चौक से लिखते थे, तो उस समय दिक्कत ये आई कि 4 बच्चे ऐसे बैठे थे, छोटा सा ही रूम था, वो कहता सर मेरे को नहीं, मैं इधर से लिख रहा था, वो कहता मेरे को नहीं दिखता। तो मैंने कहा अभी समस्या का समाधान क्या निकाले, तो भैया पढ़ाने वाले हम 2 लोग थे, तीसरा कोई, 2016 तक हम सिर्फ दोनों ही पढ़ाते थे, उसके बाद कोई टीचर नहीं था, सभी टीचर 2016 के बाद लाए गए, 15 के बाद। जैसे मैथ का मतलब स्टार्टिंग से फिजिक्स मैथ इंग्लिश केमिस्ट्री 2007 में सब मैंने ही पढ़ाया, ठीक है बिल्कुल। 2007 के अंदर से पहली बार जिस बच्चों को एयरफोर्स के नाम से पढ़ाया गया था उनको मैंने ही पढ़ाया ऑल सब्जेक्ट। अगली साल हनुमान जी को इंग्लिश, मैंने कहा इतना मेरे से संभवता नहीं है, आ जाओ ठीक है सिलेक्शन। अरे पहले बेस में सिलेक्शन ही सिलेक्शन बताता हूँ, नहीं कहानी 2006 की है। 2006 में मैं 12th क्लास को केमिस्ट्री और मैथ दोनों पढ़ाता था, मतलब ट्यूशन के रूप में। मेरा यह रातनाडा ये शिव मंदिर इसी नौरे में रहता था, फिर बाद में मैंने यहाँ रूम लिया सामने इसी गली में, इस पहले इसी में रहता था, इसी गली में तीसरा रूम मेरा था, 2 साल इसमें रहा, फिर सामने गली में चला गया क्योंकि यहाँ पढ़ाने नहीं दे रहे थे वो, फिर उसी के सामने शिव मंदिर के जस्ट सामने अनु स्कूल है, उससे पहले एक रूम लिया हुआ था गुजरों का, उस रूम ऐसा 10x10 का रूम था, अपने बच्चे बुलाने शुरू किए, ऐसे एक दरी बिछा दी, पढ़ाने शुरू कर दिए। तो उस समय मतलब पढ़ाना मैंने 2003 से शुरू कर दिया था, 2006 के अंदर 2 बच्चे शेरगढ़ साइड के, वो जैसे 12th का रिजल्ट आया और एयरफोर्स की भर्ती आ रखी थी, उन्होंने एग्ज़ाम दिया और वो पास हो गए, पता नहीं कैसे हुए, मेरे पास एक सर हमारी तो नौकरी लग गई।
मैंने कहा किस में लगी, तो एयरफोर्स में। क्या हुआ, तो उन्होंने पूरी प्रोसेस बताई मुझे। तो मुझे उन बच्चों को देखकर बड़ी खुशी हुई कि हम लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं, हमें मेरे को तो पता ही नहीं था कि एयरफोर्स होता क्या है, ठीक है। देख के समझ में आया कि अतवाद हमारे टाइम में नीट और ये पीएमटी और पीईटी का बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा था उसे 2006 के अंदर। हर बच्चा बारहवीं की बायोलॉजी का है तो कोटा जाऊँगा, एलएन पीएमटी करूँगा, मैथ का है तो नीट आईआईटी की, आईआईटी नहीं वो पीईटी की तैयारी करने के लिए कोटा जाऊँगा, और 3-4 साल रगड़ीज कर वापस यहाँ बीएससी में आ जाते थे। तो मेरे साथ में बहुत सारे बंदे आए, मेरे साथ वाले डायरेक्ट, एक साल मैं भी कोटा रगड़ीज के आया था, ठीक है ना। तो वहाँ रगड़ीज कर वापस यहाँ आ जाते हैं, फिर वो 3-4 साल खराब करने के बाद यहाँ बीएससी में आते। तो उनकी नौकरी लगते ही देखे, अरे यार तो बारहवीं पास करते ही नौकरी तनख्वाह आनी शुरू होगी, पेमेंट आना शुरू हो गया इसके, तो अपन लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं। फिर 2007 के अंदर वही वो कहानी, मैंने जब मेरे पास 17 बच्चे थे ये 12th के, उन बच्चों को मैंने कहा भाई अभी भर्ती आने वाली, पिछली बार ये 2 बच्चे नौकरी लगे हैं, आप तैयारी करो नौकरी लग सकती है। बारहवीं का एग्ज़ाम हो गया, सब कुछ हो गया, उनमें से करीब 7 या 8 बच्चे मेरे पास आए, उनको मैंने फ्री में पढ़ाया। कोई नहीं भाई, पिछली बार ये एग्ज़ाम दे के आए, उन बच्चों को पूछा ऐसा ऐसा पर्सन आया और ये प्रोसेस था, उस प्रोसेस को फॉलो करके बच्चों को, 7 या 8 बच्चे थे उसमें से लगभग 1 बच्चा बाहर हुआ था, बाकी सब मिला आप नौकरी लगी थी। उनमें कुछ करना ही नहीं होता, पता ही नहीं था भर्ती कब आती कैसे आती, जिस बच्चा अपीयर हुआ लगभग लग जाता था। और फिर फॉर्म, पहले कॉल लेटर नहीं आते थे, मतलब फॉर्म हर किसी का कॉल लेटर आता ही नहीं था, फॉर्म भर दिया किसी अलग किस्मत है उसी के पास एडमिट कार्ड आता था, बाकी एडमिट कार्ड नहीं आता था। वो नौकरी लग गए, उनको पूछा वापस आए सर अभी पास हो गए, पर्सन क्या आए, यही पर्सन आए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो सेम आ गए पर्सन पूरे के पूरे। हाँ, फिर 2008 के अंदर वही कहानी रिपीट की, तो उस समय मेरे पास करीब 18-19 बच्चे थे जो ये बारहवीं पास किए हुए, और उनको मैंने 2500 रुपये फीस लेके 1.5 महीना पढ़ाया। मैंने कहा देखो नौकरी पक्की लगा दूंगा, पर्सन सेम टू सेम आएंगे फिक्स है। और उस 17 में से करीब 13-14 बच्चे नौकरी लग गए, सेटलमेंट अपना काम जमना। फिर 2009 के अंदर दिमाग लगाए अब क्या करें भाई, अपने ये 11th 12th वालों को पढ़ा पढ़ा के थक गए, बोर्ड पे चौक घस घस के, ऐसे तो कोई काम बनने वाला नहीं। दौड़ता हुआ गया कुचामन और सेकावटी की साइड में, पता करके आया भाई ये डिफेंस सिस्टम होता क्या है। बच्चे तो अपन पर्सन तो अपन बताते वही आ रहे हैं, लेकिन और क्या क्या प्रोसेस होती है उसमें। फिर वहाँ से घूम के आया, घूम सभी कोचिंगों में, सभी में घूम घूम के आ गया कि भाई प्रोसेस क्या होता है, बच्चों ने बता दिया एग्जाम तो हम बताते वही पर्सन आते हैं, लेकिन और क्या होता है, और क्या होता है। फिर पता करके 2009 के अंदर यही, 2010 के अंदर इसी प्रोसेस को फॉलो किया गया। फिर 2010 उस समय क्या मैथ के बच्चे बहुत कम आते थे, इक्का दुक्का बच्चा रहता था, बाकी दूसरे वाले ज़्यादा बायो वाले ये ज़्यादा रहते थे वाई के, क्योंकि मैथ के बच्चे 70-80% बन जाते हैं उसके दिमाग में वो आईआईटी का ही मतलब पीईटी का ही भूत घुसा वो चला जाता था। 2015 तक मैथ के बच्चे आते ही नहीं थे इस मार्केट में, मतलब ये एयरफोर्स की तैयारी करने के लिए। टेक्निकल की सीटें तो खाली पड़ी रहती थी, भर्तियाँ डाल डाल के लेके जाते थे, आते नहीं थे बच्चे, ठीक है। तो धीरे 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 मैंने फिर वो 2009 के बाद स्कूलों में पढ़ा, मैंने लगभग जोधपुर सभी स्कूलों में पढ़ा रखा, लगभग सभी स्कूलों में पढ़ा रखा, हिंदी मीडियम जितनी भी स्कूलें हैं, ठीक है ना। हर 3 महीनों से स्कूल चेंज कर देता था। पहला कारण लेट जाना, स्कूल वाला को सहन नहीं होता। मैंने कहा अपना हिसाब कर दो, अपन दूसरी स्कूल देखे, मेरे को पढ़ाना आता आपको टीचर मिल जाएगा, मेरे को और मिल जाएगा, ठीक है। इस कारण से 3 महीनों ज़्यादा मैं कहीं टिका ही नहीं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये थी कि मुझे सिस्टम सीखना, ये स्कूल वाला कैसे चला रहा है, ये स्कूल वाला क्या कर रहा है, ये स्कूल वाला क्या, उनकी टेक्निक सीखनी, जब उनके पास जाएंगे तो सीखेंगे, नहीं तो कैसे सीखेंगे। तो हर 3 महीनों के बाद स्कूल चेंज करके आपके होली स्प्रिट से लेके अपेक्स से लेके ये सुमेर से लेके हनुमंत से लेके बड़ी बड़ी सभी स्कूलों में पढ़ा रखा है, टेक्निकल चीज लेके। फिर 2008-09 में मैंने स्कूल बंद कर दिया, अब स्कूल में नहीं जाएंगे कहीं पढ़ाने के लिए, अब खुद ही सेटलमेंट करेंगे, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे ये करते करते 2010-11 बच्चे ठीक आने लग गए, तो फिर हनुमान जी 8वीं ले ली थे, मतलब 7 में तो अपना 7 का तो मैंने खुद ने पढ़ाया था, 8 में आ गए थे मेरे साथ। हाँ, ये 9th 10th 11th 12th बीएससी हमने 7वीं की हनुमान जी ने, मैंने हाँ उसी समय से दो। फिर उसके बाद की प्रोसेस मैंने फॉलो करते करते 11 के अंदर अपने वो 11 उसमें मैं 11th 12th पढ़ाता था, साथ में यही पढ़ा, दोनों पढ़ाता था, इन्हीं कोई भले एक बैच 11th 12th का लगता था और एक बैच डिफेंस के नाम से अलग, लेकिन स्कूलों में पढ़ाना बंद कर दिया। फिर 2011 के अंदर बच्चे थोड़े बहुत ज़्यादा होने लगे, ये फिर ये अनु पब्लिक स्कूल, इसको पूरी किराए पर ले ली मैंने शाम के टाइम। फिर वहाँ शिव मंदिर जो अभी वो
एक हिंदी मंथन क्लास लगी हुई वहाँ लगाया था, तो वहाँ पर फिर बाद में बच्चे अपने पास वाई के करके 400-300-400 बच्चे होने लग गए थे, एक्स के नहीं आते। फिर एक्स के बच्चे एक आधुका तीन चार ये सबसे पहले कि लोग के अंदर जाए, मतलब कि 3-4 बच्चे हैं वो मैथ के, फिर मैथ का टीचर रखना शुरू कर दिया मैंने दोनों के, एक 11th 12th को भी पढ़ाना, वाई वालों को भी पढ़ाना और इनको भी मैथ, और तीन बच्चों के लिए ये एक्स ग्रुप भी मैथ पढ़ाना, लंबी पढ़ने लग गई। फिर बच्चे धीरे धीरे इंटेलिजेंट भी आने लग गए, अपन धीरे धीरे अटकने भी लग गए कि रेगुलर पढ़ नहीं पाते तो पढ़ा नहीं पाएंगे, ठीक है, फिक्स क्वेश्चन सेट नहीं कर पाते, और अपने वाई का टारगेट बच्चे ज़्यादा, भाई ज़्यादा बच्चे उनको टारगेट कर दिया, तो अपने वाई वाली पकड़ दी, मैथ वाली के लिए साइड में टीचर रखना शुरू कर दिया, फिजिक्स मैथ का फिजिक्स। धीरे धीरे 2015 की बात पहुँचते हैं, और 2015 के अंदर हाईएस्ट ब्रूड कमांडो की भर्ती आई थी, करीब 1700 स्टूडेंट मेरे पास थे, हाँ एक साथ में। उससे पहले 250-300-250-300-300-400 हाईएस्ट थे, 1700 पूरा रातानाडा के अंदर जितने भी हॉल थे सभी मेरे पास ही किराए पे थे, और ये बाकी वाले कोचिंग क्यों, अब वो कारण क्या था कि वो रैली थी 2015 की, गरुड़ कमांडो की रैली थी, तो पश्चिमी राजस्थान मतलब बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर पाली वगैरह सभी 50, पहले क्या कॉलेटर आता था परसेंटेज बेसिस पे, लास्ट कॉलेटर नेवी का कट ऑफ गई थी 89% और एयरफोर्स की कट ऑफ गई थी 81%, इसके नीचे वाले एग्जाम नहीं दे पाए, और उस रैली के अंदर 50% जिसके सभी के थे वो सभी उस रैली में भाग ले सकते थे, स्पेशली ये 8-9 जिले ही थे, बाकी नहीं थे, जयपुर सेक्टर से कुछ हम लोगों ने, तो उस समय मार्केट में मैं ही कर रहा था, तो वो सभी बच्चे दौड़ते हुए एयरफोर्स करना के कहाँ पाई, सभी एक सम भीड़ हो गई, ये मार्केट जितनी भी कोचिंग थी देख देख के थके, इतने बच्चे आए कहाँ से इनके पास, और करीब ने 270 ग्रुप कमांडो लिए, उसमें से 165 ग्रुप कमांडो अपनी कोचिंग के, और इवन अभी जोधपुर इवन इस बेस पे भी अपने 7 ग्रुप कमांडो अपने यहाँ के पड़े हुए बैठे हैं, और हर जगह जहाँ ग्रुप कमांडो है वो अपने हैं, 168 ग्रुप कमांडो मेरे यहाँ से निकले हुए एक साथ में, और पढ़ाने वाले कौन थे उस ग्रुप, पूरे ग्रुप कमांडो वाई का सिलेबस था, मैंने और हनुमान जी ने पढ़ाया, सुबह 6 बजे से लेके रात को 8 बजे तक क्लास सेटलमेंट चलता, और 168 ग्रुप कमांडो बढ़ाया, और उसके बाद में 2016 और 17 के अंदर ये 50% हुए, जितनी भी कोचिंग मार्केट में आई वो 2017 के बाद में आई, उससे पहले कोई नहीं था, नामों ने एक ही मात्र बंदा था तो पूरा पूरा 2017 के बाद, सब 2017 का। फीस अपना वो घर के हिसाब से, आप आए वैसे उस समय फीस 10,000 थी, लेकिन आपने 3,000 दे दिया, फिर चेक ही नहीं किया, 3,000 वो 2.5 महीने का कोर्स था, 2.5-3 महीने पढ़ के चला गया, इसने 500 दे दिया कि सर मैं, अच्छा तू घर का आदमी 500 दे दिया ले चेक के, उन बच्चे न्याल हो गए के फीस का, कभी कार्ड आई कार्ड नहीं बनाया 2016 तक, कभी आई कार्ड नहीं बनाते थे, समाज सेवा थी, सिर्फ समाज सेवा, और यदि वहाँ कोई दूसरा बंदा होता तो कम से कम 3-4 करोड़ रुपये उन 1600 बच्चों से कमा लेता, लेकिन हमने सिर्फ समाज सेवा की, कुछ नहीं, जिसने दिया उसको जेब में डाल दिया, रसीद कुछ नहीं काटते थे, 2000 पकड़ा जेब में डाला, बैठ क्लास में बैठ ये कर, ठीक है, और टाइम नहीं मिलता। उसके बाद सभी स्टाफ बढ़ाए, सब सिस्टम के, उससे पहले कोई स्टाफ कोई नहीं थे, सिर्फ हम 2 जने थे, ये उसमें था, ये 2014-13 में किया, पहले वहाँ था उत्कर्ष अभी लगा ना, उससे जस्ट पास में वहाँ था, नहीं सब समाज सेवा करने आए, या घर की बिल्डिंग लेके थोड़ी है समाज सेवा, हम घर की लेके करेंगे क्या, ठीक है, मंदिर के अंदर जो बाबा बैठता है वो उसका परमानेंट मालिक नहीं होता है, होता है होता है कि नहीं होता है, आपके गांव में मठ मंदिर बने हुए वहां वो सेवा करने वाला बैठता है परमानेंट मालिक होता है नहीं, तो अपने ये विद्या भी, ये भी एक समाज सेवा है, मंदिर है, यहाँ कभी कोई परमानेंट मालिक नहीं होता है, ठीक है, चलते रहो और सेवा करते रहो, समाज सेवा का मौका किस किस को मिलता है, और यहाँ पर अभी तक कोई परमानेंट है ही नहीं, कोई है क्या, कोई परमानेंट नहीं है, समय के अनुसार चेंज होता रहता है, हाँ इस प्रकार से हमने आज दिन तक 6200 एयरमैन बनाकर देश की सेवा के लिए छोड़ रखे हैं, और अब की बार भी 235 करीबी फर्स्ट फेज पास कर दिया था, और सेकंड फेज के अंदर 170 पे आके सेकंड फेज में, उनके भी अभी मेडिकल चल रहे हैं, कितने मेडिकल आउट होते हैं क्या होता अभी होगा, लेकिन 150 के आसपास भेज देंगे 2023 के लिए, 22-23 नहीं है जनाब यार उसमें, अरे थोड़ी देर बैठ जा अभी सेट करता हूँ पूरा, ठीक है, उसके अभी जैसे मेरे पास टोटल करीब 800 करीब रजिस्ट्रेशन हुए हैं, लेकिन वर्तमान क्लासों के अंदर करीब 350-400 बच्चे
आ रहे हैं धीरे धीरे के अग्निवीर के कारण 350-400 यहाँ आ रहे हैं और 150 करीब हॉस्टल में है। इवन ये अभी जब भी भर्ती आएगी तो और बढ़ा देंगे। हॉस्टल शुरुआती जो 22 स्टार्ट किया सबसे पहले यही हॉस्टल बनाया था मैंने इस गली से सुभाष साहब के पास ही गारंटी बेस स्टार्टिंग 3 बच्चे थे और तीनों को नौकरी लगाई 70,000 गारंटी बेस में था। हाँ 70,000 12 महीने रखता था और कार्ड था कुछ नहीं था। 70,000 गारंटी बेस 12 महीना रखता था भाई भर्ती जून जुलाई में आता था मार्च तक एग्जाम होते थे रुपया एक नहीं काटता नौकरी लगी तो पूरा पेमेंट हम रखते थे और नहीं लगती कोई बात नहीं वो सब किराए पे रखते समाज सेवा में। हाँ हॉस्टल ही किराए पे रखा ना समाज सेवा के लिए अभी अभी भी किराए पे रखा हुआ है ये या एयरपोर्ट है उधर है दो जगह है नहीं ये सेटलमेंट में कर रखे हैं। हाँ अब देखिए इस प्रकार से हजारों और आपका भी नंबर आएगा अपन लास्ट टॉपिक पे खत्म करते हैं फिर अपन कल मिलते हैं वापस। नहीं ये कहाँ है खत्म पर्सन तो खत्म करना पड़ेगा ना। 3 जनवरी 2004 को मंगलवार होगा तो अभी आपको ध्यान रखना है कि ये जितना भी YouTube वाला है सभी 10-10 को सब्सक्राइब कराते हुए आगे बढ़ेगा तो अगली बार 168 की जगह आपको भी फोटो भिजा के भेज देंगे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। ओके।